एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है पुणे जिले के बारामती तहसील से, जहां एक प्रेमिका ने अपनी प्रेमी की माली हालत को सुधारने के लिए अपने ही ससुराल में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इसके लिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर बकायदा साजिश रची और फिर चोरी करवाई। लेकिन कहते हैं ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह एक दिन अपने अंजाम तक पहुंच ही जाता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रेमिका के ससुराल वालों ने बारामती पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि रात के समय घर में घुसकर चाकू की नोक पर अज्ञात चोर ने नकदी समेत 8 लाख रुपए के कीमती सामान और गहने लूटकर फरार हो गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले परिवार के सदस्यों से पूछताछ शुरू की और जब पुलिस ने बहू से पूछताछ शुरू की तो उसने पुलिस को कई तरह के अलग अलग बयान दिए, जिसके बाद पुलिस को उस पर शक हो गया और जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती दिखाई तो उसने पूरी हकीकत बयां करते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसी के एक प्रेमी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी महिला के खुलासे के बाद पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से लगभग 3,19,000 रुपए नगद और लगभग 93,000 के गहने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल आरोपी प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। माननीय प्रमिला भाऊसाहेब भालेराव रानात फलटण रोड बारामती यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा रजिस्टर नंबर 174/21 भारतीय दंड विधान कलम 394/34 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। घेतलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी बारकाईने तपास केल्यानंतर असं निष्पन्न झालेलं आहे की सदर फिर्यादी हिचे लखन भोसले नावाच्या एका व्यक्तीबरोबर प्रेम संबंध असल्याकारणाने व पैशाची अडचण असल्याने तिने घरातील दागिने व रोख रक्कम असा ऐवज हा घरामध्येच दुसरीकडे लपून ठेवला होता व चोरी झाल्याचा बनाव केला होता। पोलीस तपासामध्ये हा बनाव निष्पन्न झाल्याच्या नंतर तिने सदर रक्कम ही पोलीस स्टेशनला आणून जमा केलेली आहे, ती दोन बंदासमक्ष जप्त करण्यात आलेली आहे।